बस भाई आज की तकरीब भी थोड़ी अलग थी, हमने देखा कि और काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हैं, ये भी आपकी बदौलत कि आपकी काविश हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सर। आज इकबाल अडवानी साहब के एजाज़ में हम प्रोग्राम रख रहे थे, फिर हमें सादिक खालिद साहब जो है वो भी हमारे यूके चैप्टर से आए हुए थे, फिर हमारे चाइना चैप्टर के हनीफ पंजवानी साहब आए हुए थे। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे रिप्रेजेंट करना होता है दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों के अंदर, जैसे साउथ अफ्रीका चैप्टर है, मलेशिया चैप्टर है, उसके अलावा जो है US चैप्टर है। तो वहाँ पे जब ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें भी इनको जो है वो इनके एजाज़ में इसी किस्म का शानदार डिनर करना चाहिए। पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप हमेशा अपने साथ काम करने वालों को सराहता है और उनको आगे लेके आना हमारा मकसद होता है। बात यह कि नई लीडरशिप आएगी, इन्हीं नौजवानों से हमें जो है वो चुनना है, जो लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर इस मुल्क की कमान संभालेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ, हमारे जो चीफ गेस्ट साहब हैं रिन साहब, वो तशरीफ़ लाए, और उसके अलावा हलार वसा हैं हमारे, और हर दिल अज़ीज़ जनाब अरफा साहब हमारे तशरीफ़ लाए, अख्तर अरफा साहब वो तशरीफ़ लाए, और हमारे हनीफ साहब तशरीफ़ लाए। बहुत सारे नाम हैं, ज़ाहिर ज़हन में सबके नाम एक साथ नहीं ले जा सकते, मगर मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा विज़न है पाकिस्तान की तमाम बिज़नेस कम्युनिटी बाशमूल तमाम लोगों के, दुनिया भर के अंदर मौजूद लोगों को एक करना है, और वो इंशाअल्लाह हम करेंगे, और हमारा ये विज़न ही रहेगा। जब मैं चला जाऊंगा तो भी ये मिशन जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे फराज भाई, कितनी काविशें हैं इस हवाले से अब? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है कि बिज़नेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट किया जाए और उसको डेवलप किया जाए। आज की जो तकरीब है, मैं समझता हूँ इसमें जो जिस तरह से ये मैनेज की गई है, जिस तरह से लोगों को मदऊ किया गया है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी उसमें बहुत ही एक अच्छी डेवलपमेंट और हेल्थी जो उसमें मूवमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच। रवायात को बरकरार रखते हुए आज एक बहुत अच्छा फंक्शन होस्ट किया है, और PBGO के जो ये इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, नेटवर्किंग सेशन होते हैं, इससे बिज़नेस कम्यूनिटी को आपस में मिलने का मौका मिलता है। B2B B2C एग्रीमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के साथ आपकी कारोबारी वाबस्तगी पैदा होती है। तो इस किस्म के इवेंट्स को मैं फराज और रहमान साहब की क्यादत को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने बड़े एहसन तरीके से ऐसे इवेंट्स को वो मतवातर होस्ट करते आ रहे हैं, और पाकिस्तान की कराची की बिज़नेस कम्यूनिटी को वो ना सिर्फ कराची बल्कि UAE और UK और बैरून मुल्क और मुख्तलिफ जगहों पर भी इन्होंने PBGO के चैप्टर्स खोल के पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को एक्सपोजर दिया है बाहर का। तकरीबन 2-2.5 साल से PBG के साथ हूँ, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बीइंग अ बैंकर मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, जहाँ पे मुझे एकदम से कनेक्शन मेरा क्रिएट हो जाता है डिफरेंट बिज़नेस ग्रुप्स के साथ। और सबसे अच्छी बात फराजुर रहमान भाई की ये है कि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर एक को चांस देते हैं, चाहे वो वुमेन विंग हो, चाहे वो हमारे दूसरे कमेटी मेम्बर्स हों, और इसके अलावा ना ही किसी मैं कहूँ कि ज़बान का, ना किसी स्टेटस का, किसी भी चीज़ का यहाँ पे आपको जो है ना डिफरेंस नहीं मिलता। यानी मैं कहूँ कि मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म रहा है ये। और फराज भाई की बहुत काविशें हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप को ग्रो करने में, कि उन्होंने दिन रात अपनी मेहनत की, अपनी टीम को सपोर्ट किया, नए लोगों को, नए चेहरों को आगे लाया, और उनकी काविशों से ही हम लोग आज यहाँ पर हैं कि लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको मजीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और आज के इवेंट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव और इन्फॉर्मेटिव रहा, और बहुत सारे डिग्निटीज़ ने यहाँ पे शमूलियत मतलब शामिल हुए हैं, और उन्होंने पार्टिसिपेट करके हमारी काफ़ी दिलजोई की है, जिसके लिए हम उनके बहुत ममनून हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती टाइम से, तमाम मेहमान जो भी हमारे आज के इवेंट के थे, उन्होंने अपने कीमती टाइम वक्त से अपना टाइम निकाला और हमारे इवेंट को 2-4 चांद लगाए हैं। हम बन सकते हैं, लेकिन उस पर फिर हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब एक चीज़ हमारे माइंड में आएगी, हम उस पर सोचेंगे, उस पर वर्किंग करेंगे, तो डेफिनेटली हम कारोबारी बन सकते हैं, और हम में इतना पोटेंशियल है इंशाल्लाह। थैंक यू।